परचेज करने के बाद 7 दिन तक पसंद नहीं आया तो आप वापस कर सकते हैं, ठीक है सर, बायबैक कर सकते हैं, आपका टोटल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। इसमें कंडीशन ये रहेगी कि व्हीकल 200 किलोमीटर से कम चला होना चाहिए 7 दिनों के अंदर, अगर आप बायबैक करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, ठीक है सर। और व्हीकल डैमेज नहीं होना चाहिए, जिस कंडीशन में आपको दिया गया है आप उसी कंडीशन में वापस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल रजक में। और जैसा कि दोस्तों आज मैं डिस्कवर का बाइक परचेस करने वाला हूं और इसके ऊपर ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आपको बाइक 24 से आपको बाइक परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी इसमें आपको पूरी मिलेगी, पूरी की पूरी डिटेल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कस्टमर केयर से 2024 वाले कस्टमर से जो भी हमारी बात हुई है वो सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भी हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मुझे एक बाइक परचेस करना था डिस्कवर, और इसके लिए मैंने 2024 पे मैंने विजिट किया, वहाँ से मुझे एक बाइक पसंद भी आ गई और मैंने वहाँ से एक डिस्कवर बाइक मैंने परचेस कर लिया। हो सकता है कि आपके भी काफ़ी सवाल जवाब होंगे जो आप 2024 से पूछ रहे होंगे। सारा कुछ आपके ट्रांसफ़र, RTO ट्रांसफ़र सारा कुछ इस वीडियो में कवर है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। आपके जितने भी सवाल जवाब हों, टोटल सवाल जवाब के आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है थोड़ी बहुत, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने यार दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं कस्टमर केयर से क्या बात हुई, मैं आपको पूरा वीडियो में बताता हूँ। परचेज करने के बाद 7 दिन तक पसंद नहीं आए तो आप वापस कर सकते हैं, ठीक है सर, बायबैक कर सकते हैं, आपका टोटल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। इसमें कंडीशन ये रहेगी कि व्हीकल 200 किलोमीटर से कम चला होना चाहिए, ठीक है सर। अगर हाँ जी 7 दिनों के अंदर अगर आप बायबैक करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, ठीक है सर। और व्हीकल डैमेज नहीं होना चाहिए, जिस कंडीशन में आपको दिया गया है आप उसी कंडीशन में वापस करें, ठीक है सर। दूसरा बेनिफिट इसमें है कि इंजन के पार्ट पे आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, आपको बुकलेट दी जाएगी 2024 की तरफ से, जिनमें मेंशन होंगे पास कि अंडर वारंटी है, उनसे रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप उसे वापस आप उसे चेंज करवा सकते हैं। उस चेंज हुए पार्ट का कॉस्ट, जो पेमेंट होगा, कॉस्ट होगा, आपको पे नहीं करना है, आपको सिर्फ उसने जो ठीक है सर। तीसरा सर है आरसी ट्रांसफर का, मैं जान सकता हूँ सर आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ कौन से स्टेट के होंगे आपके सर? आधार कार्ड सर, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो होते हैं जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कहाँ का होगा सर? दिल्ली का है, ओके ठीक है सर। आपका सर आरसी ट्रांसफर का प्रोसेस हम 8 दिन स्टार्ट करते हैं, 80 से 90 दिन में आरसी आपके नाम पे ट्रांसफर होकर आपके एड्रेस पर आ जाएगी, जो आप एड्रेस देंगे, ठीक है सर। सर कितने दिन में ट्रांसफर? मैक्सिमम 90 दिन में होगा। अच्छा, मैक्सिमम 90 दिन और मिनिमम? हाँ जी मिनिमम सर 60 डेज लगा चलिए, 60 डेज। ओके, आपको इस बीच आपको जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ से एक्नॉलेजमेंट रिसीट अवेलेबल करवाई जाएगी, अरेंज की जाएगी आपके लिए, आप व्हीकल चला सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस को आप दिखा सकते हैं, आरसी ट्रांसफर अभी प्रोसेस में है। आपको आरसी की सर एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलेगी, आरटीओ ऑफिस आपको इशू करेगा कि आपका जो आरसी ट्रांसफर है पुराने ओनर से आपके नाम पे वो अभी प्रोसेस में है, तो आपका चलान ना किया जाए, रिसिट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट रिसिट। तो ये मैं कह रहा हूँ ये सब तो आप करके दोगे ना सर आप मुझे? हाँ जी यस सर, 2024 करके देगा, क्योंकि आरसी ट्रांसफर आपकी हमें ही करवाएंगे, जिसका आपसे 2500 रुपए चार्ज किया जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है सर। और इसमें सर जान सकता हूँ सर आप अगर व्हीकल पसंद आएगा तो पेमेंट आप कैसे करेंगे? हाँ सर, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप गाड़ी मुझे यहाँ पे जब यहाँ पे मतलब मैं रिसीव करता हूँ तो पेमेंट मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, UPI के कर सकते हैं सर, आप UPI से कर सकते हैं सर, वॉलेट से कर सकते हैं आप, कैश कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं सर, चेक को छोड़ के बाकी सभी मशीन से कर सकते हैं।
ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, यही ना हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मेरे को बाइक देने आएंगे वो मेरे को बाइक दे के उनको पेमेंट करना है मुझे, उनको पेमेंट करना है सर। फुलफिलमेंट एसोसिएट आते हैं आपके पास, व्हीकल जो है आप टाटा इसमें आता है फोर व्हीलर में, ठीक है, वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, वो आपको हैंड ओवर करेंगे व्हीकल आपके, वो एक आपको जो आप रिसीविंग का है वो आपको वो भी देंगे, बाइक कार्ड सर छोड़कर रिसीट भी आपको देंगे कार्ड के। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ जी, हेलो, हाँ ठीक है सर। इसका सर व्हीकल का इंश्योरेंस आपको लेना होगा, इसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया 15 जून 2020 को। हाँ सर, इसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रखा है। आप खुद भी सर इसका ले सकते हैं, बाहर से अगर आपको लेना है, आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो आप हमारे फुलफिलमेंट एसोसिएट को बता दीजिएगा, वो हेल्प कर देंगे आपको। 524 के एक्को और ICICI लोम्बार्ड के साथ टाई अप है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ देर नहीं करना होगा, ना कोई चार्जेस देना होगा, जितना इसका इंश्योरेंस का अमाउंट आएगा सिर्फ आपको वो पे करना होगा। फिर भी कितना आएगा सर? 1,000 से 2,000 के बीच में आता है सर। 2,000 रुपए के बीच में, 1,000 से 2,000 के बीच में आएगा सर, ये एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ मैं, व्हीकल की डिटेल्स फिल करेंगे तो वो आपके सामने ही होगा। तो सर पूछ रहा हूँ कि ये जो मैं 2,000 मैं इंश्योरेंस कराऊँ वो कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के, कितने ईयर के लिए? और सर मैं वही बता रहा हूँ आपको, देखिए सर मिनिमम 1 साल का होता है। अच्छा, वो आपको ये डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ज्यादा टेन्योर का तो प्राइस सर बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। ठीक है सर, दूसरा ये कि आप कौन सा लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं आप या आप लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस भी 2-3 प्रकार के होते हैं सर, बोला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मुझे इतना थोड़ा सा जानकारी है कि एक इंश्योरेंस होता है कि जो आपको सिर्फ दिखाने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, जहीं कहीं भी मतलब सर वही थर्ड पार्टी होता है सर, वो आपको कवर नहीं करता है। हाँ, दूसरा जो उसका होता है जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो उसमें हमारे काम आता है, कुछ ऐसा ही है ना सर? कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बिल्कुल सर ऐसा ही है। वो आपको ना सर ये जानकारी अगर आपको नहीं है, देखिए सर मोटा मोटी बता देता हूँ आपको, जो थर्ड पार्टी होता है वो सिर्फ यही है कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, कॉम्प्रिहेंसिव आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है सर, और कोई डैमेज होने पे उसमें आपको उसमें तो आपको बेनिफिट भी है, ठीक है, ये आपको बता देंगे हमारे फुलफिलमेंट एसोसिएट, जब भी आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको बता देंगे किसमें क्या होता है और किसमें क्या चीज कवर नहीं होगी। ओके, ठीक है सर, और आपको पेमेंट आपको प्राइस भी बता देंगे, क्योंकि देखिए सर इसमें हमारा किसी तरह का कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हम कर रहे हैं कि आपका इंश्योरेंस हो जाएगा तो टाइमली हम आके आपका आरसी ट्रांसफर के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, इसलिए हम कस्टमर को कहते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है बाहर से आप ले सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता था सर, जैसे कि मैंने आप ये मैंने बाइक मैंने परचेज किया तो मैंने ऑटोमेटिक इसमें आपके मैंने सारा कुछ मैंने चेक कर लिया कि ऑलरेडी सब कुछ इसमें ओके है, ठीक है, तभी मैंने इसे परचेज किया। बाकायदा अगर हो सके कि मेरे पास आने के बाद उसके अंदर अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं ये कैसे मैं आपको बताऊं? सर देखिए कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये सर इस नंबर पर कॉल कर सकता हूँ। हाँ जी, पहली बात तो सर ये, ठीक है, और अगर आप जब आपके पास व्हीकल जो लेकर आएंगे ना फुलफिलमेंट एसोसिएट वो भी आपको कांटेक्ट करते हैं, वो आपको पूरी डिटेल देते हैं, आपको पूरी दी जाती है, उसका कस्टमर केयर नंबर भी होता है, आप उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, वो मेरे कहने मतलब वो जो मेरे को बाइक देने वाले हैं वो A to Z मुझे बता देंगे ना, अगर मैं जो जो जानकारी मैं जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो उनको मालूम है ना वो A to Z? बिल्कुल सर, वो हमारे फुलफिलमेंट एसोसिएट है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सेफली व्हीकल आपका हैंड ओवर करना, आपके पेमेंट रिसीव करना, आपको इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करना, बताना, गाइड करना, ठीक है, तो ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन वो आपको कुछ 2-4 बातें एक्स्ट्रा ही बताएंगे। अच्छा, और एक चीज और एक चीज और पूछना था सर, जैसे कि मैंने बाइक रिसीव किया तो मेरे को उसका कोई स्लिप विलिप मिलेगा? बिल्कुल सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब आपको व्हीकल हैंड ओवर होगा आपको 524 का रिसिप्ट दिया जाएगा, ठीक है सर, आरसी की कॉपी भी दी जाएगी आपको, जब तक आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है आपके लिए हम अरेंज नहीं कर, जब तक हम आपके लिए आरटीओ ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अरेंज नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, इसके बारे में बिल्कुल ही बेसिक अपडेट है। ठीक है सर, ओके, और कोई डाउट हो आपका कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं सर। सर जितने डाउट थे वो तो मैंने आपसे मैंने डिस्कस ही कर लिया सर। ठीक है सर, और व्हीकल आने से पहले ना एक दिन पहले आप मेरा कॉल आएगा आपके पास आपको कंफर्मेशन देने के लिए आपकी डिलीवरी के रिगार्डिंग,
ठीक है, एक दिन पहले मैं कॉल करूंगा व्हीकल आने से पहले। कोई नहीं सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर चूजिंग क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके जितने भी मन में डाउट होगा वो आपके क्लियर हो चुका होगा। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई लेकिन मेरा मकसद आपको पूरा फुल जानकारी देना था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।